हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने कुछ बुक्स रिकमेंड की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करें। आज की वीडियो में हम उन मूवीज़ की बात करेंगे जिसे आपको एज अ डिफेंस एस्पिरेंट एक बार तो ज़रूर से देखना चाहिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मूवी से, लक्ष्य। ये एक वॉर ड्रामा मूवी है जिसमें लीड रोल में है ऋतिक रोशन, जो कंफ्यूज हैं अपने फ्यूचर को लेकर। दरअसल उन्हें अपना लक्ष्य नहीं पता है और अपने दोस्तों के देखा देखी में वो IMA के लिए फॉर्म भर देते हैं। इस मूवी ने अपने टाइम पर बॉक्स ऑफिस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, क्योंकि इस मूवी में स्टार्टिंग में सिविल बैकग्राउंड की स्टोरी चल रही होती है एंड सडनली एक सॉन्ग और कुछ सीन के बाद ये एक फुल फ्लेज्ड वॉर मूवी में कन्वर्ट हो जाती है। पर आज ये बात इस मूवी को बाकी दूसरी मूवी से अलग करती है। इस मूवी को देखने के बाद आप सभी को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। बॉर्डर, ये मूवी बैटल ऑफ लोंगेवाला पर बेस्ड है। बैटल ऑफ लोंगेवाला दरअसल 1971 इंडो पाक वॉर के टाइम पर वेस्टर्न सेक्टर में पहला इंगेजमेंट था, जिसमें 120 इंडियन सोल्जर पोस्ट को डिफेंड कर रहे थे फ्रॉम 2000 टू 3000 पाकिस्तानी सोल्जर्स, जिनके पास 30 टू 40 टैंक्स मौजूद थे। इन 120 इंडियन सोल्जर्स को पूरी रात के लिए अपनी पोस्ट को डिफेंड करना था, क्योंकि हंटर फाइटर्स द्वारा एरियल सपोर्ट मॉर्निंग में ही प्रोवाइड किया जा सकता था। इस मूवी में ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चंदपुरी, जो बैटल ऑफ लोंगेवाला के टाइम पर मेजर थे, उनका रोल सनी देओल ने किया है। मेजर कुलदीप सिंह ही इस कंपनी को कमांड कर रहे थे और उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। LOC कारगिल हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा मूवी है जो 1999 के कारगिल वॉर पर बेस्ड है। इस मूवी में कारगिल वॉर को काफ़ी डिटेल में कवर किया है, हर इंडिविजुअल यूनिट्स को कहां कहां पर डिप्लॉय किया गया था और किस तरह से इन यूनिट्स ने डिफरेंट टारगेट्स को अचीव किया, ये सब बड़े अच्छे से दिखाया गया है। इस मूवी में वॉर सीन के साथ ही सोल्जर की पर्सनल लाइफ को भी दिखाया गया है। ये मूवी तो काफ़ी लंबी है, पर आपको किसी भी पॉइंट पर बोरिंग नहीं फील होगा। विजेता, क्योंकि ये मूवी काफ़ी पहले रिलीज़ हुई थी, इसके लिए काफ़ी कम डिफेंस एस्पिरेंट ने इस मूवी को देखा होगा। इस मूवी को एक बार सभी एयरफोर्स एस्पिरेंट को ज़रूर देखना चाहिए। इस मूवी में सेंट्रल कैरेक्टर एक इंडियन नेवल ऑफिसर की गाइडेंस से NDA में एडमिशन लेता है। इस मूवी में NDA, एयरफोर्स अकेडमी और फाइटर स्क्वाडन में किस तरह की लाइफ होती है, एक फाइटर पायलट की ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद उसे किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इन सभी को मूवी में अच्छे से दिखाया गया है। उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक, ये एक मिलिट्री एक्शन मूवी है। 18 सितंबर 2016 को आर्मी बेस उरी पर 4 मिलिटेंट्स द्वारा हमला किया गया था, जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हो गए थे। इसके रिस्पांस में इंडिया ने POK में मौजूद टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का प्लान तैयार किया। 29 सितंबर 2016 को इंडिया ने सक्सेसफुली सर्जिकल स्ट्राइक मिशन कंडक्ट किए जाने की इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी। ये मूवी इसी पर बेस है। वैसे इस मूवी में सेंट्रल हीरो मेजर विहान सिंह शेरगिल की पर्सनल लाइफ को काफ़ी कवर किया गया है, पर एट द एंड ये मूवी आपको सर्जिकल स्ट्राइक किस तरह कंडक्ट की गई थी इसका आइडिया देती है। इंडियाज मोस्ट फियरलेस बुक का चैप्टर नंबर 1 सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में है, आपको इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ना चाहिए। पल्टन, ये भी एक एक्शन वॉर मूवी है जिसमें ट्रू इवेंट्स को कवर किया है। ये मूवी 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद 1967 पर बेस्ड है। लेफ्टिनेंट कर्नल राज सिंह यादव और उनके सोल्जर्स किस तरह नातुला पास को चाइनीज से प्रोटेक्ट करते हैं, इसको दिखाया गया है। मूवी थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, पर एंड काफ़ी अच्छा है। 72 आवर्स, मार्टियर हु नेवर डाइज, ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी है जो अगेन ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। ये मूवी राइफलमैन जसवंत सिंह रावत पर बनी है, जिन्होंने 1962 के इंडो चाइना वॉर में 72 आवर्स तक चाइनीज सोल्जर से लड़ते रहे और इन्होंने 300 से ज़्यादा एनिमीज को मार गिराया था। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। गाजी अटैक एक इंडियन वॉर मूवी है जो इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 पर बेस्ड है। दरअसल 1971 में
PNS गाजी INS विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने के मिशन पर निकली थी, जिसका सामना होता है इंडियन नेवल सबमरीन S-21 से। ये मूवी इसी पर बेस्ड है। सबमरीन के अंदर की लाइफ को इस मूवी में अच्छे से दिखाया गया है। राजी, राजी एक इंडियन स्पाई थ्रिलर मूवी है जो ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। ये मूवी कॉलिंग सहमत नोवल पर बेस्ड है। सहमत फैमिली ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए कॉलेज को बीच में छोड़कर अंडरकवर एजेंट बनने की ट्रेनिंग लेती है, जिसकी शादी पाकिस्तान आर्मी में ब्रिगेडियर सैयद के छोटे बेटे इकबाल से होती है, जो खुद एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर है। PNS गाजी सबमरीन की इनपुट इसी रॉ एजेंट द्वारा दी गई थी। सहमत के इनपुट के अकॉर्डिंग बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉयड INS विक्रांत पर अटैक पाकिस्तान द्वारा प्लान किया जा रहा था, जो अल्टीमेटली सही इनपुट था। अंडरकवर एजेंट की लाइफ किस तरह की होती है इस मूवी में दिखाया गया है। मद्रास कैफे, मद्रास कैफे एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें जॉन अब्राहम मेजर विक्रम सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक इंडियन आर्मी स्पेशल ऑफिसर है और इनको इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ द्वारा अपॉइंट किया जाता है फॉर अ ऑपरेशन इन श्रीलंका, जहां पर वो फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की असैसिनेशन कॉन्स्पिरेसी को अनकवर करते हैं। इस मूवी का फर्स्ट हाफ काफ़ी बोरिंग है, पर क्योंकि ये ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है और इस मूवी में काफ़ी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन बताई गई है, इसलिए इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। 1971 POW यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर पर बनाई गई बॉलीवुड की ये बेस्ट मूवी है। ये मूवी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, जिसको काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। ये मूवी उन लोगों के लिए आई ओपनर है जिन्हें वॉर के कॉन्सिक्वेंसेज और POW के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। अगर हॉलीवुड की बात करें तो एक्ट ऑफ वेलर, टॉप गन, ब्लैक हॉक डाउन, बिहाइंड एनिमी लाइंस, जीरो डार्क 30 एंड लोन सर्वाइवर, आप इन मूवीज़ को देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में मुझसे कोई मूवी मिस हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।